देखो जैसे मान लो अगर मैंने एक एपी ले लिया, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये मान लो मैंने एपी ले लिया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट टर्म के सब में ऐड कर दूंगा, है ना। मैंने क्या किया, एक नंबर के सब में ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं, है ना, सब में एक टर्म के ऐड कर रहा हूं, तो देखो एक नया प्रोग्रेशन बन रहा है। अब ये जो नया प्रोग्रेशन है ये भी एक एपी होगा। कैसे, देखो प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो क्या बचा, डी बचा। देखो फिर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो, है ना। थर्ड में से सेकेंड को माइनस करो, फिर देखो यहां पर डी बचा, है ना। तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड का कॉमन डिफरेंस निकालें तो डी आएगा, सेकेंड और थर्ड का कॉमन डिफरेंस निकालें देखो वो भी डी आएगा, ध्यान, है ना। तो इसका मतलब ये जो नई प्रोग्रेशन आई है ये भी एक एपी है। तो अगर हम एपी के सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट टर्म जोड़ दें तो बनने वाली नई प्रोग्रेशन हमेशा एपी होती है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो अगर मैं सब में से के को माइनस कर दूं, अगर मैं से सब में से के को मैं माइनस कर दूं, तो ये भी देखो जो नई प्रोग्रेशन आ रही है ये भी एक एपी होगी, है ना। ये भी एक एपी होगी, है ना। इसी प्रकार अगर मैं मान लो सब में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैंने सब में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या ये एपी है, चेक करते हैं। देखो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो तो क्या होगा, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो के डी बचेगा। इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकालो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो क्या बचेगा, फिर से के डी बचेगा। देखो फिर से ये नई प्रोग्रेशन जो है ये एक एपी है। तो मतलब एपी में कोई टर्म ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो वो हमेशा एक एपी ही रहेगी। देखो अगर हम डिवाइड करें सब में, मान लो हम सब में के से डिवाइड करें, ए बाई के, ए प्लस डी बाई के, ए प्लस टू डी बाई के एंड सो ऑन। अब देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो डी वाई के आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे देखो फिर वो डी वाई के आएगा। देखो ये भी एपी आ रही है ना। तो अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म सब में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या होगा, हमेशा जो प्रोग्रेशन है वो एपी ही रहेगा, है ना। तो ये बात याद कर लो कि एपी में सारे टर्म में कांस्टेंट टर्म प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा तो जो नई प्रोग्रेशन आएगी वो एपी रहेगी, है ना, वो एपी रहेगी। फर्स्ट सेकेंड में देखो कॉमन डिफरेंस भी सेम है, लेकिन थर्ड में जो नई प्रोग्रेशन आई उसका कॉमन डिफरेंस बदल गया, जैसे यहाँ पर के डी हो गया और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखो डी वाई के हो गया, है ना। तो ये बात ध्यान रखो एपी के बारे में, है ना। ये मैंने एपी के बारे में समझाया, अब हम जीपी के बारे में भी यही बातें चेक करते हैं। देखो ध्यान दो,